हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। स्वागत है आपका धर्म में। महाबली हनुमान की हम बात कर रहे हैं। उनकी महिमा ही कुछ ऐसी है कि उनके नाम मात्र से हर समस्या का समाधान हो जाता है। बजरंग बली की आराधना से हर बिगड़ा काम बन जाता है। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संकट मोचक की कृपा से सारे संकट टल जाते हैं। तो चलिए वीर हनुमान का नाम लेकर निकलते हैं धर्म के सफर पर। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। भक्तों की पुकार सुनते हैं वीर हनुमान। मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। दुखियों के तारणहार हैं वीर हनुमान। पवन सुत विनती। जब महाबली हनुमान देंगे वरदान, का होगा समाधान। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। पवन पुत्र हनुमान की महिमा अपरंपार है। बजरंग बली की लीला कमाल है। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं जो हनुमान जी की आराधना से पूरा ना हो सके। सिया राम के काज संवारे। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब समस्याओं का अंबार लग जाता है। ऐसे में कोई साथ दे ना दे, बजरंग बली अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं। हनुमान जी डर, शत्रु और शनि पीड़ा के अलावा शिक्षा हासिल करने में आ रही परेशानियों को भी दूर कर देते हैं। यही नहीं, महाबली अपने भक्तों को आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। सुन लो मेरी पुकार। परेशानी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, समस्या चाहे कितनी विकट क्यों ना हो, हनुमान जी की आराधना से सारी समस्याओं का समाधान संभव हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपकी समस्याओं का वीर हनुमान कैसे करते हैं समाधान। सबसे पहले आपको बताते हैं घर में शांति के उपाय। मंगलवार को पीपल के पत्ते पर हनुमते नमः लिखें। इसे हनुमान जी के चरणों में रखते हैं। परेशानी बड़ी है तो एक साल तक नियमित पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी को नारियल भेंट करें, फिर उसे घर ले आएं और कलश में स्थापित करें। रोज कलश की पूजा करें और उस पर सिंदूर का तिलक करें। अगर किसी कारणवश आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, सफलता आपसे दूर हो गई है, तो भी हनुमान जी का वरदान आपको तरक्की दिला सकता है। मंगलवार को हनुमान जी को लाल कपड़े में लाल फूल अर्पित करें। हनुमान जी को लाल कपड़े में लपेट कर सिंदूर चमेली का तेल भी भेंट करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको उन्नति मिल जाएगी। बजरंग बली आपके दुखों का पल भर में नाश कर देते हैं। बजरंगी की कृपा से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। तो अगर आपको धन से संबंधित समस्या आ रही है तो आप इसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को घर में राम दरबार स्थापित करें। पीपल के 11 पत्तों पर राम राम लिखें, भगवान का ध्यान करें और अपने मन की बात कहें। मंगलवार को सूर्यास्त के बाद पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें, इससे आपके धन से जुड़ी समस्या दूर होगी। महाबली हनुमान की पूजा से हर समस्या का समाधान हो जाता है। अगर आपको बुरी नजर ने परेशान कर रखा है या फिर दुश्मनों का डर सता रहा है, तो भी राम भक्त हनुमान की पूजा आपके लिए लाभकारी होगी। हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को तिलक करें। हनुमान जी का तिलक अपने कान के पीछे लगा लें। हनुमान जी के तिलक से ही घर की चौखट पर राम राम लिखें। इस उपाय को हर मंगलवार को करें, लाभ जरूर होगा। इन उपायों के जरिए आप हनुमान जी की कृपा जल्दी हासिल कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की आराधना से कैसे मिलेगा सेहत और सुंदरता का वरदान। आप बने रहिए हमारे साथ। आप
अजर अमर है वीर हनुमान, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनके सारे कष्ट संकट मोचन हर लेते हैं। वो महावीर भी हैं और हर युग में अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं बजरंग बली की आराधना से कैसे मिलता है सेहत और सुंदरता का वरदान। बाल समय रबी भक्षी लियो तब तीनहु लोक देवता भी करते हैं जिनका गुणगान। ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात जिनसे मिलता है भक्तों को वरदान। करी बिनती तब छाड़ी दियो रबी कष्ट मुसीबत में जब फंसता है इंसान। नहीं जानत है जग में कपी सहायता करते हैं वीर हनुमान। भक्तों की प्रार्थना सुनकर बजरंग बली पल भर में उनकी समस्याओं को दूर कर देते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए महाबली आतुर रहते हैं। बस जरूरत है पूरी भक्ति और आस्था के साथ पवन पुत्र का ध्यान करने की। ऐसा कोई काम नहीं जो हनुमान जी की आराधना से पूरा ना हो। बजरंगी के पास आपकी हर समस्या का समाधान है। बस आपको सच्चे मन से केसरी नंदन की पूजा करनी है और फिर आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आइए आपको हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए कुछ उपाय बताते हैं। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर से तिलक करें। हनुमान जी के प्रतिमा पर फूल माला और लौंग अर्पित करें। हवा में उड़ रहे हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी पंचोपचार पूजा करें। पूजा के बाद पीले आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। ओम हन वज्रदेहाय नमः का 2 घंटे तक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद सुंदर कांड का पाठ करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हनुमान जी की भक्ति से न केवल शक्ति और बुद्धि का वरदान मिलता है बल्कि हनुमान जी की पूजा से भक्तों को आरोग्य और सौंदर्य का भी वरदान मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं वो पूजा विधि जिससे आपको मिलेगा अच्छी सेहत और खूबसूरती का वरदान। मिट्टी का आसन बनाकर उस पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। हनुमान जी को सिंदूर से तिलक करें। घायल लक्ष्मण जी के साथ खड़े हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करें। हरे रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। ओम हन कपिराजाय नमः का 2 घंटे तक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती करें। लड्डू का भोग लगाएं। इससे आपको सेहत का वरदान मिलेगा। कहते हैं हनुमान जी अपने हर भक्त की फरियाद जरूर सुनते हैं। वो अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। बस जरूरत है अपने आराध्य हनुमान जी से अपने दिल की बात कहने की और उन्हें प्रसन्न करने की। तो आप भी इन उपायों को अपनाएं और वीर हनुमान से आशीर्वाद पाकर जीवन को खुशहाल बनाएं। ब्रेक के बाद धर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं महाबली हनुमान की महिमा, जिनके पास आपकी हर समस्या का समाधान मौजूद है। राम भक्त हनुमान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। चलिए अब आपको बताते हैं बजरंग बली के पाठ से कैसे होता है हर समस्या का समाधान। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हर परेशानी का एक ही उत्तर है और वो है बजरंग बली की शरण। जय हनुमंत संग। परेशानी कोई भी क्यों ना हो, उसको दूर करने में हनुमान जी का कोई सानी नहीं है। हनुमान जी ने अगर ठान लिया
कि वो आपकी समस्या का हल करके रहेंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। अगर आप कोई शुभ काम करने चाहते हैं और उसमें किसी तरह की रुकावटें आती रहती हैं, तो आपको हम बताते हैं हनुमान जी से जुड़े कुछ मंत्र जो कारगर असर दिखाते हैं। शुभ काम से पहले रुकावटें आ रही हों तो बजरंग बाण से जुड़ी चंद लाइनें बहुत कारगर साबित होती हैं। आगे जाए लंकिनी। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा। ओम हुन हुन हनु अरि उरुशीसा। ओम चन 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 चपल चलंता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हंग हाक दीत कपि चंचल। ओम सं सं सहमी पराने खलदन। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होत आनंद हमारो। इन लाइनों को रात के अंतिम पहर में पूर्व की ओर मुंह करके लाल चंदन की माला से जाप करें। बजरंग बाण की लाइनों के विषय में ज्योतिषी कहते हैं कि इनका असर अचूक है और किसी भी कठिन परिस्थितियों से उबारने में ये बेहद सहायक होते हैं। ये तमाम उपाय आपसे जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं और आपको मिल सकता है वीर हनुमान का वरदान। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी लोक पर बजरंग बली ही ऐसे देवता हैं जो सशरीर मौजूद हैं। बल, बुद्धि, विद्या या फिर आपको चाहिए सेहत का वरदान, महाबली के पास हर कष्ट का निदान है। तो आप भी हनुमान जी की पूजा आराधना से अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।